इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर चमोली से आपको बता दें, जहां पर आपदा में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन बारिश के चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, रेस्क्यू में बाधा पड़ रही है बारिश। चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है जहां बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी का अलर्ट भी जारी किया था। अब आपदा के बाद अब तक मलबे से 26 लोगों के शव निकाल लिए गए हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हवाई जायजा भी लिया है, हवाई सर्वेक्षण भी किया है और आपदा में घायलों से सीएम ने खुद जाकर मुलाकात भी की है। अभी भी ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि वहां पर बारिश हो रही है जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा पड़ रही है। 26 लोगों के शव अब तक निकाले जा चुके हैं, 200 के करीब अभी भी लोग लापता बताए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचा है श्रीगंगा प्रोजेक्ट को पहुंचा है, और जो आसपास के प्रोजेक्ट में काम करने वाले मजदूर थे वो बताया जा रहा है कि कई मजदूर लापता हैं, कई के शव निकाले गए हैं। इसको लेकर हेल्पलाइन नंबर भी सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से जारी किया गया है, जिस पर लोग संपर्क कर सकते हैं, जाकर मदद ले सकते हैं। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, बारिश इसमें बाधा बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से भी पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था कि बारिश हो सकती है और बर्फबारी भी हो सकती है। इस भारी तबाही के बीच बारिश बाधा बनती हुई रेस्क्यू ऑपरेशन में 26 लोगों के शव अब तक निकाले जा चुके हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं, खुद जाकर मुलाकात वो कर रहे हैं, पीड़ित परिवार से वो मिल रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। प्रशासनिक टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में जुटी हुई है, लेकिन बारिश के चलते काफी दिक्कतें हो रही हैं।